नमस्कार, मैं वर्षा परगड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री राम दोस्तों। आज कार्यक्रम की शुरुआत जय श्री राम से कर रही हूँ, इसके पीछे का कारण भी है। नो डाउट जय श्री राम ये जो मंत्र बोल सकते हैं, हमारे लिए एक मूल मंत्र है, एक जीवन मंत्र है। ये कोई नारा नहीं है और हजारों सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। हम एक दूसरे को जब मिलते हैं तभी भी राम राम कहते हैं और फिर जय श्री राम हमारा, जो मैंने बोला कि हमारा एक जीवन मंत्र है। रामायण काल में राम भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले सभी उनका नाम लेते थे जय श्री राम करके। युद्ध के दौरान राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ, तभी भी सब वानर सेना उनकी सैनिक जय श्री राम कहते हुए ही आगे बढ़े और युद्ध लड़े। तो एक तरह से सबको एक प्रेरणा मिलती है, एनर्जी मिलती है जैसे ही उनका नाम लेते हैं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र मतलब राम इस शब्द में ही पूरा अर्थ और एनर्जी है। अंधेरे से बाहर निकालने वाला ही राम है, तो हमारे लिए वो नारा नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में माहौल बदलता गया और उस तरह से कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने इस मूल मंत्र को, इस जीवन मंत्र को एक वॉर क्राई करके कहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ये लोग जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी का नाम या ये स्लोगन जो है जय श्री राम सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्जांपल, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, हमने कितनी बार देखा टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे, यूट्यूब पे, कि जैसे ही किसी ने उनके सामने जय श्री राम कहा वो भड़क जाती थी। तो ये उन लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति तुष्टिकरण की राजनीति पर आधारित है। उनके लिए मेजॉरिटी जो यहाँ पर है हिंदू कम्युनिटी, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए इम्पॉर्टेंट है वो लोग जो उनका वोट बैंक है। इसमें कई सारे विपक्ष पार्टियाँ शामिल है, कांग्रेस सबसे पहले नो डाउट, उसके बाद TMC, उसके बाद और भी जो साउथ इंडिया की कुछ पार्टियां हैं वो भी। उन लोगों ने तो सॉरी, ये भी कहते हुए हमने सुना तमिलनाडु के जो नेता है विपक्ष के, कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह होता है तो उसका खात्मा करना चाहिए। इस तरह का भी एक स्टेटमेंट बीच में आया था। मतलब हमारे देश में हम लोग जब मेजॉरिटी में है, उसके बावजूद भी एक तरह से जय श्री राम बोलना क्राइम हो गया है। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये बात है कर्नाटक की, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। पिछले साल सितंबर में, मतलब 24 सितंबर की शायद बात है, 23 मतलब 2023 की बात, एक साल हो गया, दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। हो सकता है ऐसा ही हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस की और विपक्ष की सरकार है वहाँ पे जय श्री राम बोलना एक गुनाह हो गया और कुछ भी धाराएं लगाकर केस दर्ज हो सकता है। मतलब अभी हमारे आराध्य देवता का नाम लेना उन राज्यों में गुनाह हो गया। तो वो दो युवकों ने जैसे ही एक नारा लगाया और उनके खिलाफ काफ़ी सारे जो IPC सेक्शंस लगाए गए, वो है 447, 295A, 505 और 506, ये सारी धाराएं लगाए गए, केस चला और बेचारे जो दो युवक थे वो, उनके खिलाफ जो उन्होंने केस दर्ज किया था वो हाई कोर्ट तक जाकर पहुंचे और कर्नाटक के हाई कोर्ट ने अभी एक दो दिन पहले ये डिसीजन दिया कि जय श्री राम बोलने से माहौल खराब नहीं होता है। तो ये जो डिसीजन आया है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे माहौल में जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो त्यौहार है उस दौरान पत्थरबाजी होती है, माहौल खराब हो जाता है, माहौल खराब करने की कोशिशें हो जाती है। कितनी सारी न्यूज़ आई, गणपति से शुरुआत होती है, गणेश भगवान जो हमारे एक आराध्य देवता और है जो फेस्टिवल हम मनाते हैं, तब भी हमने देखा कितने सारे जगह से ये न्यूज़ आती गई कि जब वो गणेश भगवान की मूर्तियाँ लेकर
प्रोसेशन शुरू हो गया था, उसके ऊपर पथराव हुआ, पंडाल में जाके पथराव हुआ। फिर नवरात्रि में हमने देखा हैदराबाद में दो तीन जगह पे दुर्गा देवी, माँ दुर्गा देवी की मूर्तियाँ तोड़ी गई, और हाल ही में जो बहराइच में हुआ वो भी हमने देखा। मतलब हमारे त्यौहार हम ही मना रहे हैं, लेकिन इस तरह की वारदातें हो रहे, तो ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि उनके मानसिकता क्या है। आप अपना त्यौहार, मतलब हमारा देश, हमारे आप संस्कृति, हमारा धर्म, लेकिन हमारे त्यौहार के ऊपर इस तरह से पत्थरबाजी करना या इस तरह से हल्ला बोलना, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर हम नहीं संभले तो बहुत बुरी हालत हो सकती है आगे जाके, क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाले ये लोग बैठे हुए हैं जो पार्टी या तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, और इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो ये बात जब कर्नाटक में हुई, ये दो युवक, केस दर्ज हुआ, केस चला और हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया। हाईकोर्ट ने क्या कहा पता है? हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर ये नारा देने से कैसे माहौल खराब हो सकता है, कैसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक बात और एक थी कि जिन्होंने इन दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया था, उन्होंने ये कहा था कि कितने सालों से दोनों कम्युनिटी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे से हारमोनी लेकर रह रहे हैं, लेकिन ये इस तरह की अगर घटना होगी तो जो हारमोनी है या जो पीसफुल एटमॉस्फियर है वो भंग हो सकता है। तो जज ने क्वेश्चन उठाया है, उन्होंने बोला कि अगर आप ये कहते हो कि हम कितने सालों से एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, तो क्यों आपकी फिर भावना आहत हो गई? ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये जजमेंट आया है। तो ये बात आपको बताना मुझे ज़रूरी लगा, और ये बात भी ज़रूरी लगी कि ऐसे भी केसेस अब हमारे देश में सामने आ रहे हैं। स्वाभाविक है, हम लोगों को जागना पड़ेगा और हम लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा। जैसे कि पहले भी ये सब लोग अभी हमको कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिशें ये लोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ये जो पार्टियां जो है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे लोग, तो इनकी हिम्मत और भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इन लोगों को प्रभु रामचंद्र जी पसंद नहीं है, खास करके हमारे विपक्ष के जो नेता है उनको भी, कितनी बार वो तो अपमान कर चुके हैं, कितनी बार वो कह चुके हैं, ये भी कह चुके हैं कि हिंदू हिंसक होता है। इन लोगों को ये एक वीडियो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो देखना चाहिए। हमारे इज़राइल, हमारे यहाँ जो इज़राइल के एम्बेसडर है, वो अपनी पत्नी के साथ अयोध्या गए और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन लिया, और क्या कहा ये आइए हम पहले सुनते हैं। तो राम भक्तों को खुश कर देगा, आइए आपको ये बयान सुनवाते हैं। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट इमेजिनेशन, देयर आर थिंग्स दैट हैपेंड हियर इन द पास्ट एंड पीपल आर कमेमोरेटिंग डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, and they are remembering all these values and this is the importance of the heritage, and it's part of the identity of this country. So as ambassador of Israel, it's very important for me to understand the identity and to understand the people, and that's why. तो इजराइल के एंबेसडर ने जो कुछ भी कहा उसको जरूर हमारे नेता विपक्ष और जो भी लोग हैं उनको देखना चाहिए और सुनना चाहिए। बाहर के लोग भी हमारे संस्कृति को, हमारे भगवान की तरफ उनकी आस्था और रिस्पेक्ट बताते हैं, लेकिन हमारे ही देश में हमारे ही नेता जो है ना, हमारे भगवान के खिलाफ या हमारे धर्म के खिलाफ हमेशा बोलते हुए दिखते हैं, पर्टिकुलरली कांग्रेस के नेता जो है, समाजवादी पार्टी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि ये पार्टियाँ अपना ही वोट बैंक संभालने में लगी हुई है। वो ये भूल गए कि वो कौन से खतरों के साथ खेल रही है, और उनके सेल्फिश पर्पस की वजह से एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि वो
हमारे देश की जो आइडेंटिटी है उसको ही खतरे में डाल दें। हमारे देश की आइडेंटिटी क्या है? हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारे विचार, हमारे आचार, ये सारा कुछ हमारे लिए जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा भंडार है, एक ट्रेजर है, और कितने ही काल से वो चलता आ रहा है। लेकिन इसको ही खतरे में डालेंगे तो हमारे अस्तित्व के ऊपर ही बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने जैसे बताया उनको अपना ही वोट बैंक संभालना है, लेकिन ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और इसीलिए सभी नेता जो अभी हम कहते हैं जो हिंदू पक्ष में है, वो ये कहते हुए हमको दिख रहे हैं संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न हमारा आइडेंटिटी बन चुका है, हमारी सुरक्षा बन चुका है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि किस तरह के अत्याचार हमारे ऊपर हुए हैं। पहले मुगलों ने किए, बाद में ब्रिटिश लोगों ने किए, हमको बांटा और किस तरह से फिर हमको काटा। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये चेतावनी देते हुए कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा जरूर बन सकता है, लेकिन जय श्री राम ये नारा नहीं है, ये हमारे लिए एक मंत्र है, जीवन की प्रेरणा है, जीवन जीने की राह है, जो राम हमें सिखाता है किस तरह से त्याग, किस तरह से टॉलरेंस, किस तरह से अपने शब्दों के ऊपर खरे उतरना, अपने वचनों को संभालना, ये सब कुछ हमको प्रभु रामचंद्र जी सिखाते हैं। और इसीलिए आज भी वो हमारे हृदय में वास करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे, हमको ही समझना पड़ेगा और हमको ही उसके लिए खड़े रहना पड़ेगा। तो ये बात मैंने आपके साथ शेयर की कि किस तरह से ये कर्नाटक हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया है, और उन्होंने कहा है कि जय श्री राम बोलने से कोई माहौल खराब नहीं होता। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और गर्व से भी कहते रहिए जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद।